नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो हम काफी हफ्तों से हमने HPG, गोनेडल एचिस और उसके रिलेटेड हार्मोन्स को हमने कवर किया। अब आज से एक नई हम एक्सिस को पकड़ रहे हैं, जिसका नाम है HPT एक्सिस। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, HPT एक्सिस फॉर शॉर्ट, AKA थायराइड होम्योस्टेसिस और थायराइड ट्रॉपिक फीडबैक कंट्रोल इज पार्ट ऑफ द न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। तो माई डियर फ्रेंड्स, कोई भी हम जो भी ये सिस्टम पढ़ रहे उसमें पॉजिटिव से ज्यादा जो भी नेगेटिव फीडबैक है वो कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी को। बाकी तो हमारे हर एक सेल का फंक्शन है वो चालू ही रहता है, लेकिन कुछ नेगेटिव फीडबैक जाती है जिससे वो फंक्शन बंद होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव पार्ट हमारे फंक्शन को ब्लॉक करता है, बाकी वो अपने अपने फ्लो में वो चलता ही रहता है, प्ले में चलता रहता है वो फंक्शन। HPT axis is part of the neuroendocrine system responsible for the regulation of metabolism and also response to stress. कोई भी स्ट्रेस हो उसको ये HPT axis रिस्पॉन्ड करता है। As its name suggests, it depends upon hypothalamus, pituitary gland and thyroid gland. जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि ये उसकी थायराइड सिस्टम है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो TSH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है। फिर वहां से TSH सिक्रेट होता है, थायरोइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायरोइड ग्लैंड पर एक्ट करता है, और इससे थायरोइड हार्मोन्स हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में आता है, जिससे क्या होता है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज कैटाकोलेमाइन इफेक्ट। और जब ये ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा सिक्रेट होने लगे, तो फिर वापस नेगेटिव फीडबैक जाता है, जो हाइपोथैलेमस एज वेल एज पिट्यूटरी ग्लैंड पर नेगेटिव फीडबैक एक्ट करता है। तो ये पूरी उसकी सिस्टम है। द हाइपोथैलेमस सेंसेस लो सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ थायरॉयड हॉर्मोन T3 एंड T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन। तो ये दो थायराइड हार्मोन है जो हमारी थायराइड ग्रंथि में सिंथेसाइज होते हैं, और वो जब भी ये इसका ब्लड लेवल कम हो जाए तो हमारे हाइपोथैलेमस उसको सेंस करती है और उससे वो रिस्पॉन्ड करता है, एंड रिस्पॉन्ड्स बाय रिलीजिंग थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH को रिलीज करता है। द TRH स्टिम्युलेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी टू प्रोड्यूस थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन TSH। हमारे डे टाइम में ये सीक्रेट होता ही रहता है TRH। द TSH और उससे वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिम्युलेट करता है, जिससे TSH प्रोड्यूस होना चालू होता है। द TSH इन टर्न स्टिम्युलेट्स द थायरॉयड टू प्रोड्यूस थायरॉयड हार्मोन्स अनटिल लेवल्स इन द ब्लड रिटर्न टू नॉर्मल। जब तक वो नॉर्मल लेवल पे ना आ जाए तब तक वो TSH को स्टिमुलेट करता रहे, वो TSH थायराइड को स्टिमुलेट करता रहेगा, यानी कि लो लेवल से वापस नॉर्मल लेवल पे ना आ जाए तब तक। थायराइड हार्मोन एक्सर्ट्स नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ओवर द हाइपोथैलेमस एज वेल एज एंटीरियर पिट्यूटरी, दस कंट्रोलिंग द रिलीज ऑफ बोथ TRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड TSH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर TSH या TRH कंटिन्यूअसली सिक्रीट होता रहे तो फिर TSH कंटिन्यूअसली सिक्रीट होता रहेगा, तो फिर T3 T4 बढ़ जाएंगे। इसको कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, यानी कि थायरॉयड का फंक्शन बढ़ गया। तो इस अगर थायराइड किसी को थायराइड का फंक्शन बढ़ रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसका नेगेटिव फीडबैक काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो बंद है। अब क्यों बंद है वो आपको समझना है, क्योंकि बॉडी चाहती है कि ज्यादा T3 T4 हो, ताकि वो उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में बॉडी सर्वाइव कर सके।
यानी कि उसको स्ट्रेस हो सकता है या फिर मेटाबॉलिज्म का इश्यूज हो सकते हैं। फिजियोलॉजी, थायराइड होम्योस्टेसिस रिजल्ट्स फ्रॉम अ मल्टी लूप फीडबैक सिस्टम। थायराइड होम्योस्टेसिस एक मल्टी लूप फीडबैक सिस्टम के द्वारा वो कंट्रोल हो रही है। दैट इज फाउंड इन वर्चुअली ऑल हायर वर्टेब्रेट्स। प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायरोट्रॉपिक फीडबैक कंट्रोल इज इंडिस्पेंसिबल फॉर ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन एंड इंटेलिजेंस। इन सब के लिए ये थायरोट्रॉपिक जो फंक्शन है, हमारा सिस्टम है, उसकी फंक्शन प्रॉपर होना जरूरी है। वेरी फ्यू एनिमल्स हैव एक्सोलॉट्स एंड स्लॉथ्स हैव इम्पेयर्ड थायराइड होम्योस्टेसिस दैट एग्जिबिट्स अ वेरी लो सेट पॉइंट दैट इज एज्यूम टू अंडरलाई द मेटाबॉलिक एंड ऑन्टोजेनेटिक एनोमलीज ऑफ दिस एनिमल्स। तो ये जो इन एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स है जिन जिनकी ये थायराइड फंक्शन ठीक नहीं है, इम्पेयर्ड थायराइड में होम्योस्टेसिस है, और उसकी वजह से उनका सेट पॉइंट भी लो हो जाता है, और उसकी वजह से उनको काफ़ी सारे मेटाबॉलिक डिजीजेज और ऑन्टोजेनेटिक डिजीजेज एनोमालीज होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स थायरोट्रोपिन मीन्स TSH, थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन दैट स्टिम्युलेट्स द थायरॉइड टू सीक्रेट थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन। लेसर डिग्री सबसे ज्यादा हमारा जो रहता है वो है T4, T3 हमार की मात्रा हमारी कम रहती है। द मेजर पोर्शन ऑफ T3 हाउएवर इज प्रोड्यूस्ड इन पेरिफेरल ऑर्गन्स। जबकि T3 मेजरली T3 क्यों कम थायराइड सीक्रेट करता है, क्योंकि वो बाकी दूसरे पार्ट से सीक्रेट होता है, पेरिफेरल पार्ट से, जैसे लीवर, एडिपोज टिश्यू, ग्लिया, स्केलेटल मसल्स, बाय बाय डी आयोडिनेशन फ्रॉम सर्कुलेटिंग T4। T4 को वो डी आयोडिनेशन करते हैं, उसकी वजह से ट्राई आयोडोथायरोनिन बनता है, यानी कि आयोडीन की जो जो मॉलिक्यूल होगा, आयोडीन का मॉलिक्यूल, उसमें तीन है, उसमें चार है, तो डी आयोडिनेशन से वो T4 से T3 में कन्वर्ट करते इन द पेरिफेरल टिश्यूज, पेरिफेरल ऑर्गन्स, बिकॉज ऑफ द सन सन रेज से। डी आयोडिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय नंबरस हॉर्मोन्स एंड नर्वल सिग्नल्स इंक्लूडिंग TSH, वेजोप्रेसिन, स्केटाकोलेमाइंस। इन सब से ये डी आयोडिनेशन ये कंट्रोल होता है, इन सब हार्मोन से, नर्वस सिग्नल से, TSH, वेजोप्रेसिन, कैटाकोलेमाइंस, ये सब हार्मोनल एंड नर्वल सिग्नल से कंट्रोल होता है कि डी आयोडिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो फिर आप कितना भी धूप में बैठेंगे या फिर कितना भी आयोडीन वाला नमक खाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कितना भी आप ये अभी नया जो अभी चल रहा है वाटर, कि आप कितना भी ऐसा वाटर पी ले आयोडीन वाला, उससे कुछ नहीं होने वाला बहुत, क्योंकि ये आयोडीन हो तो भी हमारी बॉडी क्या उसको सिग्नल दे रही है कि डी आयोडीनेशन करें। बोथ पेरिफेरल थायरॉयड हॉर्मोन्स आयोडोथायरोनिन्स, दोनों जो पेरिफेरल थायरॉयड हॉर्मोन्स है, T4 T3, जिसको आयोडोथायरोनिन्स कहते हैं, इनिबिट थायरोट्रोपिन सिक्रीशन फ्रॉम पिट्यूटरी। तो ये नेगेटिव फीडबैक है। अगर पेरिफेरल थायरॉयड हॉर्मोन्स ज्यादा है हमारे ब्लड में, सर्कुलेटिंग ब्लड में ज्यादा है, तो फिर वो एक नेगेटिव फीडबैक क्रिएट करता है जो थायरोट्रोपिन सिक्रीशन को बंद करवाता है, यानी कि TSH। कॉन्सिक्वेंटली इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फॉर ऑल हॉर्मोन्स आर अटेंड, और इस तरीके से सभी हॉर्मोन की बैलेंस चलती रहती। TSH सिक्रीशन इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थायरोलिब्रिन TRH। TSH सिक्रीशन TRH से कंट्रोल होता है। वो सिक्रीशन इटसेल्फ इज अगेन सप्रेस्ड बाय प्लाज्मा T4 एंड T3 इन CSF। CSF में जब ये बढ़ जाए, क्योंकि ग्लिया भी इसको T4 से T3 में कन्वर्ट करता रहता, तो जब भी CSF में T4 T3
या फिर प्लाज्मा T4 T3 बढ़ जाएगा, तो फिर इससे भी हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक जाती है। एक नेगेटिव फीडबैक जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिससे TSH की सिक्रेशन बंद होती है, और एक नेगेटिव फीडबैक जाती है हाइपोथैलेमस तक, जहां से TRH की सिक्रेशन बंद होती है। इट इज अ लॉन्ग फीडबैक, क्योंकि उसको क्रॉस करके ऊपर जाना होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसके नीचे है, तो ये लॉन्ग फीडबैक कहते हैं उसको, लॉन्ग फीडबैक फैकेटे लेकन लूप। एडिशनल फीडबैक लूप्स आर अल्ट्रा शॉर्ट फीडबैक कंट्रोल ऑफ TSH सिक्रीशन, ब्रॉकेन, वेरसिंगा, प्रेमेल लूप, एंड लीनियर फीडबैक लूप्स कंट्रोल्ड बाय प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो ये अलग अलग उसके फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक कि किस तरीके से उसकी सिक्रीशन को कंट्रोल किया जाए। रिसेंट रिसर्च सजेस्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिशनल फीड फॉरवर्ड मोटिफ लिंकिंग TSH रिलीज टू डीआयोडीनेज एक्टिविटी इन ह्यूमंस। द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस TSH T3 शंट could explain why deiodinase activity is higher in hypothyroid patients. Hypothyroid patients में ये deiodinase activity ज्यादा होती है, and why a minor fraction of affected individuals may in benefit from substitution therapy with T3. इसीलिए minor fraction इसको हम T3 देने से फायदा होता है इन patients को, क्योंकि deiodinase कम होगा, उस डीआयोडीनेस से क्या होता है, T3 बनता है। अगर T3 ही दे दो तो डीआयोडीनेस कम होगा, ऐसी ऐसी संभावना है, वो एक हाइपोथेसिस है। कन्वर्जेंस ऑफ मल्टीपल एफरेंट सिग्नल्स इन द कंट्रोल ऑफ TSH रिलीज, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू T3 साइटोकाइंस एंड TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज मे बी द रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन दैट द रिलेशन बिटवीन फ्री T4 कॉन्सेंट्रेशन एंड TSH लेवल्स डेविएट्स फ्रॉम अ प्योर लॉग लीनियर रिलेशन दैट हैज प्रीवियसली बीन प्रपोज्ड। रिसेंट रिसर्च सजेस्ट दैट ग्रेलिन ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द स्टिम्युलेशन ऑफ T4 प्रोडक्शन एंड द कॉन्सिक्वेंट सपरेशन ऑफ TSH डायरेक्टली एंड बाय नेगेटिव फीडबैक। तो ये अलग अलग उसके साइटोकाइंस सिग्नलिंग, अभी ये काफी, अभी हम कह सकते हैं कि ये काफी रिसर्च में है ये पार्ट, कि कौन से ऐसे केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, या फिर हार्मोन है, या फिर एमिनो एसिड्स है, जो प्रोटीन है, जो इसको एंजाइम्स है जो इसको स्टिमुलेट करवाते हैं। तो अलग अलग उनके काफी समय के बाद समयांतर पे अलग अलग नेम आते हैं, कि भाई ये भी इसको स्टिमुलेट करवाता है, ये भी इसको स्टिमुलेट कर, तो ये सब स्टिमुलेट करके उसकी प्रोडक्शन, और उसकी वजह से T4 की प्रोडक्शन, और उसकी वजह से TSH की सेपरेशन के लिए एक नेगेटिव फीडबैक लूप बनती है। तो जो चीज स्टिमुलेट करवाती है, वही चीज इसको बंद भी करवा रही है, कि अगर T4 कम है तो जब वो बढ़ जाए तो वही T4 वाले प्रोडक्ट, वही वही पार्ट इसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। ऐसा हमने सभी ऑर्गन्स, सभी हॉर्मोन्स में आज तक जो भी हॉर्मोन्स हमने कवर किए, उन सब में ऐसा ही हमने समझा है, कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है कोई भी ऑर्गन के, हॉर्मोनल जो भी हमारे एंडोक्राइनल ऑर्गन्स है उनकी फंक्शन कैसे चलती है, कि पहले स्टिमुलेट होता है बिकॉज ऑफ द लो लो लेवल ऑफ द लो सीरम लेवल ऑफ द हॉर्मोन्स, और उसकी वजह से एक पॉजिटिव फीडबैक आता है, और फिर वो सिक्रीशन चालू होता है, फिर बॉडी में सिक्रीशन चालू होता है, फिर वो जब वो बढ़ जाए तो फिर वही पार्ट उसको नेगेटिव मैसेज देता है, कि भाई अब बहुत हो गया, इसको बंद कर। तो कुल मिला के ये TSH की जो एक्सिस है, थायराइड की एक्सिस, वो इस तरीके से काम करती है। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और इसके रिलेटेड हार्मोन्स का हम अलग से वीडियो बनाएंगे।
तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।